अब तक आपने देखा कुंती भोज की राजकुमारी कुंती सूर्य भगवान से मिले वरदान अपने पुत्र को अपने से अलग कर देती है, जिसकी वजह से सूर्य भगवान का प्रकोप फैल जाता है। वहीं महाराज का रथ हांकने वाले अधिरथ सूर्य के पुत्र को बचा लेते हैं। हे सूर्य नारायण, मैं आपकी अनुमति से आपके पुत्र को नाम देता हूं सूर्य पुत्र कर्ण। अब आगे राधा, थोड़ा समय शोन को भी दे दो। प्रणाम अधिरथ महोदय। राम महोदय, क्या है ये सब? हमें सूचना मिली है कि आपने बाहर से किसी बालक की रक्षा की है, उसके लिए धन्यवाद। किंतु अनाथ बालकों को राज्य के अनाथ आश्रम में पहुंचा देने का कर्तव्य था आपका। अनाथों की रक्षा का दायित्व और अधिकार, ये दोनों ही राजमाता का है, ये आप अच्छे से जानते हैं। आर्य, ये क्या कह रहे हैं? आर्य, किसकी बात कर रही है? कुछ नहीं राधा, इनसे कोई भूल हो रही है। मैंने बाढ़ में किसी की रक्षा नहीं की, वास्तव में मैं अपनी ही रक्षा कठिनाई से कर पाया। सुषेण, किसी अनाथ बालक को अपना कहकर अधिकार कर लेने को हत्या से भी बड़ा पाप माना गया है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो ना? किंतु मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये दोनों संतानें मेरी है, अनाथ नहीं है। मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया है, कर्ण और शोण, और ये बात सभी जानते हैं। तो फिर मुख दिखाओ अपने दोनों पुत्रों का। अरे, तुम होते कौन हो मेरे पुत्रों का मुंह देखने वाले? मेरे पुत्रों की ओर आंख उठाई ना तो अंधा कर दूंगी। शांत रहो राधा। क्यों शांत रहूं मैं? आर्य, 12 वर्ष निसंतान रहने के बाद ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी की, दो पुत्र प्राप्त हुए मुझे। ये होते कौन है मेरे पुत्र के विषय में प्रश्न करने वाले? प्रश्न तुम्हारे पुत्र के विषय में नहीं है राधा, प्रश्न तुम्हारे पति के विषय में। अरे जा रंभा, अपना मुंह काला कर। जानती हूँ सबको पीड़ा देकर ही सुख मिलता है ना तुझे। ये मेरे पति स्वयं महाराज का रथ हांकते हैं, महाराज को इन पर पूर्ण विश्वास है। महाराज के इतने मूर्ख है, किसी पापी को अपने रथी बनाएंगे? ठीक है, फिर बुलाइए दाई माँ को, सारा सत्य स्वयं उजागर हो जाएगा। ठीक है, बुलाइए दाई माता को। यदि दाई माता ने कह दिया कि ये दोनों पुत्र मेरे हैं, तो समाज के बीच तुम्हारी नाक काट दूंगी। हाँ हाँ, काट लीजिएगा, लेकिन पहले दाई माता को बुलवाइए। क्या हुआ था? मेरे हाथों राधा के एक ही पुत्र का प्रसव हुआ, दो नहीं। किंतु अधिराज महोदय, अब ये मत कहना कि मेरे आने से पहले पुत्र का जन्म हो चुका था।
अनेक बालकों के जन्म देखे मैंने। समस्त मैं उसी समय गई थी जब आपने बालक को मेरे हाथ में दिया था कि उसका जन्म एक प्रहर पहले हुआ। राधा, ये अंतर तो तुम स्वयं भी देख सकती हो। आर्य, ये क्या कह रही है? क्या ये हमारा पुत्र नहीं है? क्या आप किसी का पाप उठा रहे हैं? नहीं, इतना सुंदर ऐसा निर्दोष बालक के किसी का पाप नहीं हो सकता है आर्य। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है आर्य। क्या जाने किस जात किस वंश का है ये बालक, यहाँ रहकर सूत के सारे आवासों को भ्रष्ट कर देगा। इसे ले जाइए यहाँ से। हाथ लगाने की चेष्टा भी मत करना। बालक दे दीजिए देवी। अनाथ बालकों की रक्षा का अधिकार महारानी का और राजकुमारी कुंती का है। नहीं आर्या, आर्या आप पहुंच क्यों है? आर्या नहीं, ये मेरा पुत्र है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, इस बालक के विषय में मैं अपने मुख से कभी किसी को कुछ नहीं कहूंगा। सत्य बड़ी ही सरलता से छुप जाता है सुषेण महोदय, क्योंकि केवल थोड़ा सा असत्य मिलाने से सत्य भी असत्य हो जाता है। हैरी, ये सत्य है, राधा ने इस बालक को जन्म नहीं दिया, किंतु ये मेरी संतान है। एक सूत का पुत्र मेरा ही वंश, इसका वंश। वो कैसे अधीरथ सुषेण, विस्तार से बताइए। बाढ़ में इस अभागी बालक की माता की मृत्यु हो गई। मैं केवल इस बालक की रक्षा कर पाया, इसकी माता की रक्षा नहीं कर पाया। किंतु इस बात से ये बालक तुम्हारा पुत्र किस प्रकार हो जाएगा धीरथ? इसकी माता मेरी पत्नी थी, मेरी दूसरी पत्नी। राधा के साथ विवाह करते समय मैंने वचन दिया था कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, इसलिए मैंने राधा से ये बात छुपाई थी। लो भाइयों, कर लो बात। एक चोरी पकड़ने आए थे, यहां तो उससे भी बड़ी चोरी सामने आ गई।
ये तो राधा का प्रश्न है, राधा ही जाने। यदि हमारा धर्म और समाज भ्रष्ट नहीं होता तो हमें क्या करना है। चलिए यहाँ से। इतना बड़ा विश्वासघात आ रहे, इतना बड़ा विश्वासघात। यदि विवाह से पहले आपने कहा होता कि आप दूसरा विवाह करेंगे तो मैं आपसे विवाह ही नहीं करती। यदि मेरे पुत्र शोहन के जन्म से पहले आपके इस दूसरे विवाह के बारे में जान जाती तो आत्महत्या भी कर सकती थी। इस तरह तो आपने मुझे जीवन भर इस विश्वासघात के साथ जीने का एक दंड दे दिया यार। राधा, राधा मेरी बात तो सुनो। कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आर्य। भूल मेरी, किंतु इस बालक का क्या दोष? इस बालक का दोष केवल इतना ही कि ये मुझे आपके दोष का स्मरण दिलाएगा। तुम एक स्त्री हो राधा, किसी निरपराध बालक का त्याग कैसे कर सकती हो? यदि आपकी इच्छा को आदेश मानना और आपके पाप को पुण्य समझने का नाम स्त्रीत्व है तो मैं स्त्री होने को अपना दुर्भाग्य मानती हूं। यदि ये बालक अनाथ होता तो मैं अवश्य से प्रेम देती, अपना पुत्र मानती, किंतु ये बालक आपके विश्वासघात का स्मरण बन कर रहा है आज। किंतु ये मेरा पुत्र है, ये मेरे घर से कहां जा सकता है?
अपने ननिहाल जा सकता है। आपके दूसरे पत्नी के परिवार के पास छोड़ दीजिए इसे, वो लोग पाल लेंगे, आसरा मिल जाएगा इसे वहां। पर वैसे भी आज सारा समाज जानता है ये मेरा पुत्र नहीं है आर्य। कल इसकी माता का परिवार भी जान लेगा कि मेरे हृदय में शोन और इसके बीच अंतर है। उचित तो ये है आर्य कि आप इसे आज ही वहां छोड़कर आए, आप इसे आज ही वहां छोड़कर आए, आप इसे आज ही वहां छोड़कर आए। क्या ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? करना पुत्र, मैं और कर्ण यहां से जा रहे हैं। आप और कर्ण, आप मीरा और छोड़ का त्याग कर रहे हैं आर्या? तुमने भी मेरे पुत्र का त्याग किया है, वो तुम्हारा निर्णय है, ये मेरा निर्णय है। राजा की सेवा, सारे समाज का सम्मान, इतनी संपत्ति, सब त्याग देंगे इस बालक के लिए? निरुपाय हूं मैं राधा। अनाथ होने का ज्ञान मनुष्य की आत्मा को निर्बल बना देता है। मैं कर्ण के भाग्य में अनाथ होने का दुख नहीं भर सकता। तुम यथार्थ कह रहे हो, यदि कर्ण यहां रहेगा तो ये समाज उसके इसी दुख को बढ़ाने की चेष्टा करता रहेगा। इसलिए मुझे ये गांव छोड़ना ही होगा। यदि आप मेरा त्याग करेंगे, मेरे पास जीने का और कोई मार्ग नहीं रहेगा आर्या, क्या आप जानते हैं? तुम साथ चल सकते हो। किंतु तुम्हें कर्ण को अपना पुत्र कहना होगा और तुम समाज के सामने कभी यह सत्य प्रकट नहीं कर सकती कि कर्ण तुम्हारी कोख से नहीं जन्मा। आर्या, ठीक, मुझे इस बालक को स्वीकार करना होगा। किंतु स्मरण रहे आर्य, शरीर दास होता है, हृदय सदा स्वतंत्र रहता है। हाथ से मेरे हृदय पर आपका कोई अधिकार नहीं। और इस बालक को मैं प्रेम नहीं दूंगी आर्या, ये अब जान लीजिए। जब मुझे कर्ण के समर्पण पर पूरा विश्वास होगा तब मैं इसे अपना पुत्र मानूंगी। Oh,
की दौड़ इस पर्वत के नीचे तक रहेगी। आज तो आपको मुझसे पराजय माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी।